वेलकम टू नाइन प्लस और मैं हूं आपका दोस्त सौरभ तिवारी, आपका प्रॉपर्टी एडवाइज़र। और एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम एक और नई प्रॉपर्टी की वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं। और हमने जो लास्ट प्रॉपर्टी की वीडियो शूट की थी वो थी पालम विहार एरिया की, और उसका जो रिस्पॉन्स था वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग था। तो उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया कि हम पालम विहार की एक और वीडियो आपके लिए शूट करें। और आज हम एक और 520 गज का फ्लोर आपके लिए लेकर आ रहे हैं पालम विहार एरिया में। ये भी एक 4 BHK का लेआउट होने वाला है, और जो लास्ट प्रॉपर्टी थी वो भी एक 4 BHK की प्रॉपर्टी थी। ऑल्दो जो इसका जो लेआउट है वो लास्ट प्रॉपर्टी से थोड़ा सा अलग होगा, इसकी जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ी सी बेहतर होगी, इसकी जो लोकेशन है वो थोड़ी सी बेहतर है। आइए चलते हैं एक बार प्रॉपर्टी पे, आपको दिखाते हैं प्रॉपर्टी का लेआउट कैसा है और जो डिटेल्स हैं इस प्रॉपर्टी की, जो स्पेसिफिकेशन है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शंस है, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे डिटेल में इस वीडियो के एंड में। आइए चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। ये देख सकते हैं, ये है आपके एंट्रेंस गेट। एंट्रेंस गेट के बिल्कुल साथ में है आपके यहाँ पे लिफ्ट। आप देख सकते हैं लिफ्ट के चारों तरफ आपको यहाँ पे टाइल्स की क्लैडिंग दी गई है ताकि ये लाइफ टाइम आपका मेंटेनेंस फ्री रहे। शुरुआत करेंगे एंट्रेंस गेट से। एंट्रेंस गेट की आप विड्थ देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 3.5 फीट के आसपास की विड्थ है। और ये आप देख सकते हैं इसका डिज़ाइन। आठ फीट के आसपास की इसकी हाइट है। आइए एक बार पहले आपको दिखाते हैं फ्लैट। ये है आपका लॉबी एरिया, और इस तरफ है आपका लिविंग रूम। ये है आपका मेन एंट्रेंस गेट, यहाँ से आपने एंट्री की थी। आप देख सकते हैं मेन एंट्रेंस गेट के बिल्कुल साथ में यहाँ पे कुछ वुडन एलिमेंट देने की कोशिश की गई है। और यहाँ पे पॉलिश का काम होना है, और यहाँ पे वीनियर का यूज़ किया गया है। ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लग रहा है। ये है आपका लॉबी एरिया। लॉबी एरिया के बिल्कुल लेफ्ट में है आपकी किचन। आइए चलते हैं किचन की तरफ, शुरुआत करेंगे किचन से। ये देख सकते हैं किचन के बिल्कुल साथ में यहाँ पर आपको एक डाइनिंग एरिया भी दिया गया है। और ये है आपकी किचन, बहुत ही ह्यूज साइज की आपकी किचन है। 520 गज की प्रॉपर्टी है और उसके हिसाब से बहुत ही बड़ी किचन है। बात करें फ्लोरिंग की तो यहाँ पे इटालियन फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है। किचन के बिल्कुल बाहर में है आपका डाइनिंग एरिया। और ये देख सकते हैं ये यहाँ पे आपको काउंटर आपको नज़र आ रहा होगा किचन के अंदर में। यहाँ पे आप चाहें तो जैसे बार काउंटर्स के अंदर में चेयर्स होती हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा होती है, उस तरह की चेयर्स आप चाहें तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं। उस तरह का प्रोविज़न देने की कोशिश की गई है। बात करें किचन के अंदर तो राइट हैंड साइड पे जो आप स्पेस देख रहे हैं ये आपकी रेफ्रिजरेटर के लिए स्पेस है। यहाँ पे आप चाहें तो OTG और माइक्रोवेव के लिए आपको प्रोविज़न दिया गया है, और उसके बिल्कुल साथ में है पेंट्री का प्रोविज़न। ये है आपकी पेंट्री। बात करें कलर कॉम्बिनेशन की तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन का यूज़ किया गया है। नीचे ब्राउन कलर की लैमिनेट्स जो कि वुडन टेक्सचर के अंदर में है उनका यूज़ किया गया है, और अगर बात करें ऊपर तो वाइट कलर की प्रीमियम लैमिनेट्स का यूज़ किया गया है, और ये आपकी हाई ग्लॉस लैमिनेट्स हैं। बात करें काउंटर की तो यहाँ पर ग्रेनाइट का यूज़ किया गया है, ब्लैक ग्रेनाइट का, वो आप देख सकते हैं। और ये है आपका डबल सिंक। टाइल्स की बात करें तो ग्रे कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है। स्टोरेज के अंदर लैमिनेट्स का यूज़ किया गया है। और अगर अंडर हेड स्टोरेज की बात करी जाए तो सॉफ्ट क्लोजर अंडर हेड स्टोरेजेस, बहुत बड़ी ग्लास विंडो, ये ओपनेबल भी है
आप इतने से पोर्शन को ओपन भी कर सकते हैं और यहाँ पे आपका फिक्स क्लास है। तो एक बार दोबारा से देख लीजिए, किचन और किचन के साथ में आपका डाइनिंग एरिया। यह है डाइनिंग एरिया की फॉल सीलिंग और आप देख सकते हैं इसको डिफरेंशिएट करने के लिए, इसको सेपरेट करने के लिए एक वुडन डिजाइनर पार्टीशन का भी प्रोविजन आपको दिया गया है और सामने है स्प्लिट एसी का प्रोविजन। चलिए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ। यह है आपका फर्स्ट बेडरूम। बात करें फॉल सीलिंग डिजाइन की, आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम फॉल सीलिंग डिजाइन। फ्लोरिंग की बात करें, इटालियन फ्लोरिंग और यहाँ पे आपको दिया हुआ है टीवी पैनल। पीछे आप देख सकते हैं बैक बालकनी को एक्सेस करने के लिए डोर और ये है आपका फिक्स ग्लास। आप देख सकते हैं कितना ह्यूज साइज का ग्लास एरिया है, टफन ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। और इस तरफ है आपका अटैच वॉशरूम, ऑल्दो ये फ्लैट अभी फिनिशिंग स्टेजेस पे है, तभी यहाँ पे काम चल रहा है। बात करें हाइट की डोर की, तो ऑलमोस्ट आपकी 8 फीट के आसपास की आपकी हाइट है और आप अंदर देख सकते हैं बहुत ही ह्यूज साइज का वॉशरूम एरिया है, ऑल्दो अभी इसमें काम होना बाकी है। और यहाँ पे आपका आएगा स्टोरेज एरिया, यानी यहाँ पे आपके कबर्ड्स का स्पेस और कबर्ड का प्रोविजन आपको दिया जाएगा। और इस तरफ होगा आपका वेट एरिया और आप देख सकते हैं पीछे शाफ्ट का भी प्रोविजन दिया गया है ताकि वॉशरूम में वेंटिलेशन बनी रहे। लेके चलते हैं बैक बालकनी की तरफ, दिखाते हैं आपको बैक बालकनी। आप जानते हैं गुड़गांव में बैक बालकनी का प्रोविजन है, तो आप देख सकते हैं कितनी ह्यूज साइज की बैक बालकनी है। और पीछे आप देख सकते हैं आपका ग्रीन एरिया। बालकनी की बात करें तो यहाँ पे ग्रेनाइट फ्लोरिंग का यूज किया गया है। आइए चलेंगे सेकेंड बेडरूम की तरफ। जैसे ही आप फर्स्ट बेडरूम से बाहर निकलेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे सेकेंड बेडरूम, इसकी एंट्रेंस। फ्लोरिंग की बात करें तो वुडन फ्लोरिंग का आपको प्रोविजन दिया गया है यहाँ पे। पहले एक बार देखिए बेडरूम, यहाँ पे भी आपको बैक बालकनी को एक्सेस करने के लिए एक डोर और बहुत बड़ा सा ग्लास एरिया। ये है इसका फॉल सीलिंग डिजाइन। तो ये वही बैक बालकनी है जो फर्स्ट बेडरूम के साथ में कनेक्ट होती है, टीवी पैनल। और ये देख सकते हैं कि इसका जो वॉशरूम है ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ये आप देख सकते हैं कवर्ड एरिया। और ये आप देख सकते हैं वॉशरूम। एक बार लाइट जलाने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही प्रीमियम टाइल्स का यूज किया गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे साइज का वॉशरूम है। और ये है आपके स्टोरेज स्पेस। तो ये देखा, ये है आपका सेकेंड बेडरूम। आइए चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। और ये देख सकते हैं आपका थर्ड बेडरूम। आप साइड में देख सकते हैं आपका मेन एंट्रेंस की है हमारी, उस मेन एंट्रेंस के बिल्कुल साथ में आपका थर्ड बेडरूम। आइए चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ। ये है आपके डोर का डिजाइन और एक बार देखिए बेडरूम को।
बात करें फ्लोरिंग की तो यहाँ पे भी इटालियन फ्लोरिंग का प्रोविजन आपको दिया गया है। और फ्रंट में है आपका ग्लास एरिया और फ्रंट बालकनी को एक्सेस करने के लिए डोर, ये देख सकते हैं आप टीवी पैनल का प्रोविजन ऑल सीलिंग। और ये थोड़ा सा वुडन एलिमेंट देने की कोशिश की गई है, ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। और इस तरफ है इसका अटैच वॉशरूम, बिल्कुल अटैच वॉशरूम के साथ में है आपका स्टोरेज स्पेस। और इसके साथ में है आपका वॉशरूम, और ये है आपका थर्ड बेडरूम के साथ में वॉशरूम। आप देख सकते हैं व्हाइट कलर की टाइल्स का यूज किया गया है, इसे हम सतवारियो डिजाइन भी कहते हैं। विंडो आप देख सकते हैं, उस तरह से आपका वेट एरिया, और ये है आपका काउंटर टॉप वॉश स्टेशन और वॉल हैंड पॉट। गीजर का भी प्रोविजन आपको यहाँ पर दिया गया है, ये है आपका थर्ड बेडरूम। आइए चलेंगे फोर्थ बेडरूम की तरफ। और ये हम पहुंच चुके हैं आपके फोर्थ बेडरूम की तरफ। हाइट आप देख सकते हैं सेम हाइट है आपकी। पहले देखें, ये है आपका फोर्थ बेडरूम। बात करें फ्लोरिंग की तो यहाँ पे भी इटालियन फ्लोरिंग का यूज किया गया है, फॉल सीलिंग डिजाइन। और इस तरफ है आपके स्टोरेज स्पेस, जहाँ से आपने एंट्री की है अभी इस रूम में, तो उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपका स्टोरेज स्पेस, और उसके बिल्कुल सामने है आपका वॉशरूम। ये देख सकते हैं आपका वॉशरूम, पीछे विंडो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन के लिए, वॉल हैंग शीट, और सामने है आपका काउंटर टॉप वॉश बेसिन। आइए लेके चलते हैं आपको फ्रंट बालकनी की तरफ। आप देख सकते हैं इस कमरे की जो बालकनी है वो एक सेपरेट बालकनी है, और काफ़ी अच्छी विड्थ है इसकी। स्टील एंड ग्लास का यूज़ किया गया है रेलिंग में यहाँ पे SS304। और नीचे की फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे ग्रेनाइट फ्लोरिंग का यूज़ किया गया है। बहुत अच्छी साइज़ की बालकनी है, आप शाम को या सुबह ईज़िली यहाँ पर 2 से 3 लोग बैठ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए इस रूम को, टीवी पैनल। आइए लेके चलते हैं अब आपको लिविंग रूम की तरफ। ये एक बार से दोबारा देख लीजिए, ये आपके मेन एंट्रेंस था। जैसे ही आप घर में घुसेंगे मेन एंट्रेंस आपके राइट हैंड साइड पे पड़ेगा लिविंग एरिया। लिविंग एरिया और लॉबी को सेपरेट करने के लिए यहाँ पे वुडन पार्टीशन का यूज़ किया गया है, और ये देखने में बहुत ही प्रीमियम लगता है। आप देख सकते हैं आपका ह्यूज साइज का लिविंग एरिया। बात करें फ्लोरिंग की तो यहां पे भी आपको इटालियन फ्लोरिंग का ही प्रोविजन दिया गया है। फॉल सीलिंग डिजाइन, और ये फ्रंट बालकनी को एक्सेस करने के लिए गेट। और ये देख सकते हैं आपकी फ्रंट बालकनी, बहुत ही ह्यूज साइज की फ्रंट बालकनी है आपकी। तो ये आप देख सकते हैं आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया को जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे लिविंग एरिया से, आप देखेंगे इस तरफ है आपका लॉबी एरिया,
लॉबी एरिया भी कह सकते हैं इसको, या इसको आप चाहें तो फैमिली लाउंज की तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं, या एक कैजुअल ड्राइंग रूम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये है उसका फॉल सीलिंग डिज़ाइन। और सामने आपको दिया गया है टीवी पैनल, आप यहाँ पे भी टीवी इंस्टॉल कर सकते हैं और चाहें तो यहाँ पे सोफ़ा लगा सकते हैं। इसके बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं ऑर्डर रूम का भी प्रोविज़न दिया गया है। और ये है आपका मंदिर के लिए स्पेस, इस जगह पर आप चाहें तो मंदिर बना सकते हैं। वास्तु के हिसाब से ये जगह परफेक्ट है मंदिर बनाने के लिए। और ये है आपका पाउडर रूम, और दो पाउडर रूम में भी काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार स्पेस दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको पाउडर रूम का प्रोविजन अभी दिया जाएगा। पीछे है विंडो वेंटिलेशन के लिए। तो आपने देखा इस फ्लैट को, और ये आप देख सकते हैं ये है आपका पार्किंग एरिया। पीछे है आपके पार्किंग एरिया में सर्वेंट क्वार्टर्स का भी प्रोविज़न आपको यहाँ पे दिया गया है। और सर्वेंट क्वार्टर्स का जो प्रोविज़न है उसके लिए आपको ये रास्ता दिया गया है। एक बार चल के देखते हैं पीछे, आप इधर पीछे आएंगे तो ये आप देख सकते हैं पीछे सर्वेंट क्वार्टर्स का प्रोविज़न। हर फ्लैट के साथ में एक सर्वेंट क्वार्टर है और एक वॉशरूम का प्रोविज़न आपको इधर दिया गया। अगर इस प्रॉपर्टी को आप एक्चुअल विजिट करना चाहते हैं, हमारे नंबर नीचे स्क्रीन पे दिए जा रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारी टीम 7 days a week अवेलेबल है, और इस प्रॉपर्टी को देखने के लिए आप अपने अपॉइंटमेंट हमारे साथ में बुक कर सकते हैं। और आपने देखा कि ये प्रॉपर्टी का लेआउट कैसा था, इस प्रॉपर्टी का लेआउट बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया था। इस प्रॉपर्टी के साथ में जो सबसे ज़्यादा जो एक स्पेशल चीज़ थी वो ये थी कि इसमें किचन के साथ में एक सेपरेट डाइनिंग एरिया था, जो जनरली हमें प्रॉपर्टीज में देखने को नहीं मिलता। बात करें क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो आपने देखा कि बहुत ही सुपीरियर क्वालिटी की कंस्ट्रक्शन की जा रही है। बिल्डर ने किसी भी चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। यहाँ पर लेआउट बहुत ही शानदार है और लोकेशन तो शानदार है ही। बात करें फ्लोर्स की, तो इसमें भी आपको टॉप फ्लोर का ऑप्शन नहीं मिलेगा। आप जानते हैं कि टॉप फ्लोर की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है और मार्केट में टॉप फ्लोर मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसमें हमारे पास नीचे के 3 floors अवेलेबल हैं। बात करें प्राइसेस की, तो हर फ्लोर की जो डिमांड है वो 2.5 crore है। बाकी आप जानते हैं कि थोड़ा बहुत ये नेगोशिएबल होता है जब हम टेबल पर बैठते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि हम अपनी वीडियोज़ को और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट्स हम रेगुलर बेसिस पे आप लेकर आते रहें, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बात करें लैंड प्लस की, तो आप जानते हैं कि लैंड प्लस आपको प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने दोनों में हेल्प करता है। तो अगर आप अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के साथ बेचना भी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपकी वीडियो को पोस्ट करेंगे अपने चैनल पर विदाउट एनी कॉस्ट, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे एक और वीडियो में एक नई प्रॉपर्टी के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।